स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सिलकारा टनल में फंसे 17 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की घटना को एक साल पूरा हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में योगदान देने वाले सभी बचाव दलों, विशेषज्ञों और संस्थानों का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद दिया, जिनके नेतृत्व में सभी जरूरी तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाई गई। इस अभूतपूर्व अभियान में यहाँ पर ये दिखाया है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ बताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर गब्बर सिंह नेगी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सुरंग के अंदर अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और बचाव दल का भरोसा मजबूत किया। ये दिन राज्य के साहस और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। उत्तराखंड के राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आज एक साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलकारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी तकनीकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और हमारे श्रमिक भाइयों को विशेष रूप से, जिन्होंने अंदर रहकर बहुत हौसला अफजाई की लोगों की, हमारी बाहर रहने वालों की, कि हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में नहीं हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून के रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है, इसके लिए मतदाता सूची भी तैयार है। उत्तराखंड शासन से जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। कि राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया। उत्तराखंड पुलिस खुद को जितना स्मार्ट बनाने में जुटी है, उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही मुंह बाएं खड़ी है। उत्तराखंड पुलिस के नए डीजीपी दीपम सेठ की माने तो फोर्स में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस का बेहतर रिजल्ट सामने आया है। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के भी पुलिस खुद को तैयार कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ता साइबर अपराध है, जिससे कि जनता को बचाना है। नहीं कहूँगा, ये तो बदलाव की जहाँ आवश्यकता जब जब महसूस होती है तो वो होता है। कई चीज़ें जो अच्छी चलती हैं वो वैसे ही रहती हैं। और पुलिस फोर्स बाय इटसेल्फ डायनामिक, जो चैलेंजेस हैं, जो आज जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, कल कोई नई परिस्थिति हम लोग के सामने आती है तो उस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं, तो इस तरह के लिए हम लोग ट्रेंड है और इस तरह की हमारी थिंकिंग है कि जो समय समय पर जो चुनौतियां आए उसके हिसाब से हम पूरी क्षमता से। उत्तरकाशी बाजार क्षेत्र में लगातार गैस की घटतौली और अनियमित आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी ने
उत्तरकाशी बाजार, ज्ञानसू, मनेरा आदि क्षेत्र में गैस वितरण करने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 गैस वितरण करने वाले वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें कि विश्वनाथ गैस एजेंसी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी गैस सर्विस ज्ञानसू और एक अन्य लोडर जिसमें कि गैस सिलेंडर लगे थे। विश्वनाथ गैस सर्विस उत्तरकाशी के वाहन के निरीक्षण पर उसमें लदे सिलेंडरों का तौल किया गया, जिसमें पाया गया कि अधिकतर सिलेंडरों में 400 से 600 ग्राम कम गैस पाई गई। डिलीवरी मैन के पास वर्दी नहीं थी। डिलीवरी मैन द्वारा अभी तक एक भी उपभोक्ता को सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की गई थी। उत्तरकाशी गैस सर्विस के वाहन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन चालक और डिलीवरी मैन के पास आईडी और साथ में वर्दी और तौल जो है वो नहीं काटा गया था। वाहन को सीज करके बाट माप निरीक्षण के सुपुर्द किया गया और वाहन में लदे सभी सिलेंडरों की तौल करते हुए मानक से कम पाए जाने पर नियम अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है उसकी कार्रवाई के लिए कहा गया है। व्यवस्था को सुधारू करने के दृष्टिगत पाई गई अवस्थाओं को यहाँ पर देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट द्वारा बताया गया कि आईओसी एजेंसी उत्तरकाशी गैस सर्विस और एचपी गैस एजेंसी विश्वनाथ गैस सर्विस को नोटिस जारी किए गए और उनका जवाब तलब किया गया। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी उन्हें लगाया गया। शिकायतें हमें मिली थी कि जो घटतौली बाजार में कम वेट के सिलेंडर मिल रहे हैं और बिना तोले हुए सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, तो इस संबंध में कल हमने मुख्यालय की टीम में मैं खुद के नेतृत्व में लेके गया था और हमने कुछ डिलीवरी वैंस को चेक किया था। उसमें विश्वनाथ गैस एजेंसी का और उत्तरकाशी गैस सर्विस दोनों ही एजेंसियों के डिलीवरी वैन हमने पकड़े हैं। तो उत्तरकाशी गैस सर्विस के डिलीवरी वैन जो था उसमें डिलीवरी मैन के पास वर्दी भी नहीं थी, आईडी भी नहीं थी और तौल काटा भी नहीं था। उस गाड़ी को हमने सीज किया और उस गाड़ी को सीज करके बाट माप निरीक्षक से उसकी पूरी जांच करवाई गई, तो उस गाड़ी में 15 सिलेंडर निर्धारित मानक से कम मिले हैं जिसमें गैस कम थी, तो उन पर 10,000 रुपये का फाइन लगाया गया। दूसरी, विश्वनाथ गैस सर्विस की गाड़ी जो वितरण के लिए जा रही थी उसे रास्ते में रोक के उसे भी चेक किया गया, उसमें भी लगभग 70 सिलेंडर लदे हुए थे। उनमें भी जो गैस हमने तोली तो उसमें 400 से 600 ग्राम कम गैस मिली है, तो उस पूरी गाड़ी को हमने गोदाम को वापस रिटर्न करवा दिया और साथ ही उनके ओनर और प्रबंधक को निर्देशित भी किया कि गोदाम में और इस तरीके के जो भी अधोमानक सिलेंडर हैं वो सारे के सारे बॉटलिंग प्लांट को वापस किए जाएँ। अधोमानक जो सिलेंडर है वो किसी भी दशा में उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किए जाएंगे और इस संबंध में दोनों ही एजेंसियों का हमने स्पष्टीकरण किया है, उन्हें 7 दिन का समय दिया है। स्पष्टीकरण के बाद जैसा उनका जवाब आता है उसके आधार पे मार्केट डिसिप्लिन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अग्रिम कार्रवाई उन पर की जाएगी और अपने गैस गोदाम प्रभारियों को भी निर्देशित किया है कि वो भी अपने क्षेत्रों में इस तरीके की जो शिकायतें हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए डिलीवरी वैन्स वगैरह को नियमित रूप से चेक करें और उसकी रिपोर्ट हमें 1 महीने के। पिथौरागढ़ जनपद के विकासखंड गंगोली हाट क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरकार जो है वो सदा शहीदों के परिवार के साथ और उनके तहत जिलाधिकारी द्वारा शहीदों के गांव का भ्रमण किया गया। इस दौरान ग्राम नाली में कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद नायक शंकर सिंह मेहरा के 70 वर्षीय बुजुर्ग से मिलकर उनका हाल जाना और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं उनकी हर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए शहीद गांव की जन समस्याओं को जानते हुए पेयजल, लोक निर्माण और एग्रीकल्चर से संबंधित विभागों की लंबित योजना के अधिकारियों से जानकारी ली गई। जिलाधिकारी बैलपट्टी पंपिंग योजना के कार्यों को हर हाल में 15 फरवरी 2025 तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए। एक नई पहल प्रारंभ करी है जिसमें हमने कहा है कि जिलाधिकारी शहीदों के गांव का भ्रमण करें, तो मैं सभी जो राज्य में जो जनपद में जितने भी शहीद परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं उनके गांव में मैं जा रहा हूँ और उन गांव में जाकर के शहीद परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि शहीदों के परिवारों की कठिनाइयों का शीघ्रता से समाधान हो, उनके हालचाल जाने जाएँ और पूर्व सैनिकों का भी इसमें सहयोग हम ले रहे हैं, तो इसी बहाने पूर्व सैनिकों से भी जो है मुलाकात होती है, उनसे संबंधित उनके समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये अभियान हमारा जो है अभी चलता रहेगा। आज ही मैंने लगभग 5 परिवारों से मुलाकात की है और 3 गांवों में भी मैं अलग से गया हूँ, तो इस कार्यक्रम को हम पूरे ज़िले में करेंगे।
जिला अधिकारी के द्वारा शहीदों के गांव का भ्रमण। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करना है शहीद परिवारों के प्रति और उनकी शहीदों की याद को पुनर्जीवित करना है उनको उनका। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। सबका इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। लक्सर में एक महीने के भीतर हुई 3 लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लक्सर में हो रही लूट की घटनाओं से पर्दाफाश किया है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों द्वारा लक्सर में तमंचे के बल पर फाइनेंस कंपनी और गैस सप्लायरों को लगातार निशाना बनाकर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार SSP ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए कड़े निर्देश लक्सर पुलिस को दिए, जिस पर कि लक्सर पुलिस की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम, 2 देशी तमंचे और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। दोनों आरोपी बदमाश अरविंद और श्रवण लक्सर और कलियर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो पूर्व में भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पिछले एक माह में लगातार 3 लूट की घटनाएं हुई थी और इन तीनों ही लूट की जो एक ही तरीके से ये लूट की गई थी और खासकर जो ब्याज का काम करते हैं या जो गैस एजेंसी से पैसे कलेक्शन का काम करते हैं उन लोगों के साथ ये लूट लगातार की जा रही थी। तो पुलिस को ने इन तीनों ही मामलों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और आगे ऐसी घटना ना हो तो इसमें डिकॉय भी पुलिस के द्वारा लगाए गए थे और पुलिस ने जो अभियुक्त थे उनका हुलिया पुलिस को कुछ कुछ मालूम था। कल पुलिस के द्वारा इसमें रंगे हाथों इन लोगों को पकड़ा गया और बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ के उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उनसे जो पूर्व में की गई जो लूट है वो उसमें 70% बरात में पुलिस के द्वारा ब्लाइंड ये केस था और पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से तत्परता से काम। अगली खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 72 घंटे के भीतर महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पैसों का लेन देन और कर्ज का बढ़ता दबाव निकलकर सामने आया। मामले का खुलासा हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने किया है। उन्होंने घटना का पूरा विवरण साझा करते हुए अपराध में शामिल आरोपी महिला रुबीना की गिरफ्तारी और हत्या के कारणों की जानकारी दी। ये 25 तारीख को 25 नवंबर को एक शक्ति मोहल्ले में कोतवाली रुड़की सिविल लाइन क्षेत्र में शक्ति मोहल्ले में एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, रेखा नाम थी, उनकी एक हत्या की गई थी। उसके संबंध में पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई थी प्रथम दृष्टया ये हमें हत्या से ही पूरा मामला लगा था। इस संबंध में मृतका के जो पुत्र हैं दीपक कुमार उनकी ओर से तत्काल तहरीर लेके एक कंप्लेंट लेके हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और पिछले 3 दिनों में हमारे SP ग्रामीण और CO रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की इनकी पूरी की टीम के द्वारा इसमें खासकर CIU की भी हमारी टीम लगी थी, लगातार जो डिजिटल हमारे एविडेंस हैं उसके साथ साथ हमारे CCTV कवरेज को भी हम लोगों के द्वारा लगातार चेक किया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस को ये बात संज्ञान में आई कि एक महिला उस समय करीब दिन के समय इनके घर में जाना प्रतीत हुआ और उसके बाद वहाँ से निकल के जाना प्रतीत हुआ, जिसमें उनके द्वारा कुछ सामान भी वहाँ से लेके जाया गया था। इस संबंध में पुलिस ने जब उक्त महिला जिसका नाम रुबीना है और उसको बुलाया, उससे जब पूछताछ की शक्ति से तो उसको ये बात संज्ञान में आई कि उसके द्वारा ये हत्या की गई है और उस हत्या में जो भी उसके द्वारा सामान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता नजर आता है। हालांकि बात करें पिछले कुछ दिनों की तो कई अवैध मजारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था, लेकिन सवाल राजधानी देहरादून से उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको बताते चलें कि राजधानी देहरादून का जाना माना दून हॉस्पिटल में वर्षों पुरानी एक मजार बनी हुई है, जिस पर कि अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू किया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें इस मजार को अवैध करार दिया गया और इसकी जांच की मांग भी की गई। बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने भी इस मजार की जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुष्कर सिंह धामी इसकी जो यहां पर तहकीकात है या फिर इसकी जो तहरीक है वो किस तरीके से करेंगे। यदि ये मजार अवैध पाई गई तो इस पर कार्रवाई होना तय है। देखिए, चिंता का विषय है। देहरादून जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी बड़ी आस्था के साथ देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट ईश्वरीय आस्था में रखकर जब प्रवेश करता है तो उसका मन बड़ा खराब होता है। जब वो आईएसबीटी पर उतरता है तो आईएसबीटी बस अड्डे के बिल्कुल बाहर बगल में एक अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जो हाई टेंशन तार के नीचे बनाई जा रही है, जिसमें एक मानक होते हैं, उन मानकों को कोई पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखिए, इलाज कराने के लिए दून हॉस्पिटल एक सबसे बड़ा चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से एक मजार स्थापित कर दी गई। अंधविश्वास टोने टोट के, यहाँ तक कि वहाँ बैठने वाले खादिम को ऊपर भी कई बार चर्चा हुई है। एक बिटिया के कहने पर हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसने हमें बताया कि मेरे साथ उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया। ऐसे कई मामले उस मजार के आए, लेकिन पुलिस प्रशासन, पुरानी सत्ताएं सब मौन रही। ये तो प्रदेश मुख्यमंत्री धामी जी ने दृढ़ संकल्प के साथ तय किया है कि ऐसी मजारों को इस प्रदेश से उखाड़ कर दम लेंगे। तो आज किसी सामान्य व्यक्ति ने उसके लिए एक पीएलआई दाखिल की है, जिसमें जांच के लिए उसने कहा है कि इसकी जांच हो, और जांच में पूरी तरह से पता है वो मजारों के नाम पर एक सीमेंट का ढेर बना देते हैं। नीचे कुत्ता है, पिल्ला है, गधा है, घोड़ा है, कुछ नहीं पता। और सबसे ज्यादा माथा फोड़ने वाले दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज के लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। और जो परेशान पीड़ित व्यक्ति हैं दून हॉस्पिटल में आते हैं, जिनका कोई परिवार का व्यक्ति बीमार है, वो अंधविश्वास के कारण वहाँ बहुत अच्छे पैसे की भेंट चढ़ाता है और वो खादिम फल फूल रहे हैं। सरकार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए बिना किसी लाख लपेट के उसका ध्वस्तीकरण करना ही चाहिए। क्या सड़क के बीच में बना दो, रेलवे स्टेशन पे बनी हुई थी, उत्तर प्रदेश में स्टेशन के अंदर मजारे बनी हुई थी, कहीं कुत्ता मर गया उसको सीमेंट से ऊंचाई कर दी, वो मजार बांध ली गई। ऐसे कई जगह देखने में आए और इस मजार का भी इसी प्रकार का कहते हैं। आप इसकी जांच कर लीजिए, आपको कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलेगा जो किसी पूछने व्यक्ति का होगा, हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग पौड़ी भी सतर्क नजर आ रहा है। पौड़ी कंडोलिया मैदान में परिवहन विभाग द्वारा फर्स्ट रेस्पॉन्ड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कि वाहन चालकों के परिचालकों और नवनियुक्तों को ट्रैफिक नियमों और वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने के दौरान राहत और बचाव हेतु फर्स्ट रेस्पॉन्ड प्रशिक्षण दिया गया। एआरटीओ पौड़ी निखिलेश कुमार ओझा ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के चलते परिवहन विभाग पौड़ी ने आज फर्स्ट रिस्पॉन्ड प्रशिक्षण का आयोजन भी किया, जिसमें वाहन चालकों के साथ साथ आम जनमानस को एसडीआरएफ की टीम की दुर्घटनाओं के दौरान लोगों की राहत बचाव किस तरीके से करना है इसके बारे में जानकारी दी गई। टैक्सी मैक्सी महासंघ के सचिव महावीर बहुगुना इस प्रशिक्षण को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले वाहन चालक ही दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहते हैं। उन्होंने इस प्रकार से प्रशिक्षण को बेहतर बताया। जी, इसमें तो जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उस बारे में सब बताया जा रहा है कि किस तरह से आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम कर सकते हैं। और हमारे सभी चालक लोग जो भी हम वाहन स्वामी हैं, जो भी आ रखे हैं, वो इस प्रशिक्षण का पूरा लाभ लेंगे, बताएंगे अपने अपने इनके द्वारा जो प्रशिक्षकों द्वारा जो बताया गया है उस हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है वो एक चालक ही होता है वहाँ पे, तो उसी के संबंध में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये देखिए, जिस तरह की दुर्घटनाएं लगातार चल रही हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो प्रयास तो कई एंगल से चल रहा है। इन्फोर्समेंट भी चलता रहता है, हम लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। उसी में एक दुर्घटनाओं में ये होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर मीन दुर्घटना के समय जो चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे किसी वाहन चालक हो, किसी अन्य आदमी जो देख रहा,
वो जब जाता है तो पहला रिस्पांस वही देता है दुर्घटना में, चाहे हेल्प करे, उठाए, गाड़ी में बैठाए, तो उसको उस समय की दुर्घटना में क्या क्या करना होता है, क्योंकि मेडिकल रिलीफ अगर उस समय मिल जाती है तो जान बचाई जा सकती है। इस तरह का फायदा ये मिलता है कि जैसे जनहानि इसलिए होती है कि दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने में समय लग जाता है क्योंकि उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कैसे उसको डील करना, तो इनको सीख मिलती है जो पहले जाता फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है दुर्घटना स्थल में दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को, वो सीख जाएगा तो हम हॉस्पिटल जाने उसकी जान बचाई जाने की संभावना काफी हद तक। पहाड़ों में कोहरे ठंड के प्रकोप जहां पर उसने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, वहीं पर दूसरी तरफ भारी फसलों का नुकसान भी हो रहा है। 7 बजे खुलने वाले बाजार अब 8 से 9 बजे खुल रहे हैं। ठंड के प्रकोप को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। हिमालय क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी ना होने से हिमालय धीरे धीरे बर्फ विहीन होते जा रहे हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश ना होने से काश्तकारों की फसलों की जो यहाँ पर उसकी जो फसलें हैं वो उस पर काफी प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं वो खराब हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय का नवंबर महीने में बर्फ विहीन होने से पर्यावरणविद खासे चिंतित हैं, तथा निचले भूभाग में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की गेहूं, जौ, सरसों और मटर की फसलों पर संकट के बादल मंडराने से काश्तकारों के भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी है। कई वर्षों से देखा जा रहा है कि असमय यहाँ पर ठंड का प्रकोप अत्यधिक बढ़ रहा है और समय पर बारिश न होने के कारण भी ठंड में काफ़ी सूखी ठंड पड़ रही है, जिस कारण मार्केट भी देर से खुल रहे हैं। हिमालय क्षेत्रों में जो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी बारिश और बर्फबारी की बहुत कमी आ चुकी है, जिस कारण ठंड एकदम कोहरी पड़ रही है और मतलब रोगों को ज़्यादा समय मिल पा रहा है कि वो फैल सकें समाज में। और इसी तरह ठंड को प्रकोप देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अलाउंस की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।